Hey guys, what's up? How are you all once again? Welcome back to the channel. आज वाले ब्लॉग में हम जाने वाले from New York City to Boston in America's fastest train, that is the Amtrak Acela, and I'm very excited to share this journey with you all. Right now, we are at 33rd Street at the Moynihan train station, जो कि बहुत ही नया खुला है. Probably just last year या फिर एक डेढ़ साल ही हुआ होगा खोल के. And then this is the ट्रेन हॉल. अभी अंदर जाऊंगा, आपको अंदर से जो ट्रेन स्टेशन है वो कैसे दिखता है वो दिखाऊंगा, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस द होल ट्रेन जर्नी. सो ये वाला जो नया स्टेशन है वो पुराने पेन स्टेशन जो कि मेरे पीछे उसके बिल्कुल सामने है. अभी भी एनजे ट्रांजिट का जो ट्रेन है वो सब वहाँ से छूटता है, एंड एमट्रैक वाला ट्रेन ये नए वाले पेन स्टेशन से छूटता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द मोइनिहान ट्रेन स्टेशन, एंड कम विद अस. So this is the Moynihan train hall. यहाँ से नीचे से ट्रेन जाती है, एंड वहाँ पे टिकटेड वेटिंग रूम है वो सारा, एंड देयर सम स्पेस टू सिट ऑन टॉप ऑल्सो. अगर आपके पास एमट्रैक या फिर लॉन्ग आइलैंड रेल रोड के टिकट्स है तो यू कैन वेट ओवर हियर यहाँ पे, एंड देन देर आर लिफ्ट फॉर ट्रैक्स, या फिर यू कैन इवन टेक द एस्केलेटर्स. इफ़ यू वॉन्ट टिकट्स विल कम हियर एंड यू कैन गेट योर टिकट्स हियर. एंड वी जस्ट गॉट कॉफ़ी, एंड अभी बैठेंगे ये ट्रेन वेटिंग स्टेशन में, टिकटेड वेटिंग स्टेशन में जो कि है यहाँ पे. देर इज़ ऑल्सो अ लाउंज अप देर, दैट्स कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन लाउंज, बट ये अगर आपके पास फर्स्ट क्लास टिकट है तो ही आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई रिवॉर्ड मेम्बर हो तो. सो दिस इज़ द वेटिंग एरिया, ये कुछ ऐसा दिखता है फॉर ऑल टिकटेड एमट्रैक एंड लॉन्ग आइलैंड रेल रोड पैसेंजर्स. सो हम लोग मम्मी को तो बिठा के आए. दिस इज अ क्वाइट कार, मतलब इसमें आपको एकदम शांत रहना पड़ता है, आप मोबाइल वगैरह पे बात नहीं कर सकते. लेट मी गिव यू अ क्विक टूर ऑफ दिस, यू कैन सी क्वाइट कार. दीज आर आवर सीट्स. ये आपको टेबल मिलता है ऐसे, सो इफ यू वांट टू वर्क और इफ यू वांट टू ईट यू कैन यूज इट. If you want to store your stuff, आप यहाँ पर रख सकते हो. Also यहाँ पर आपके बड़े लगेजेस के लिए इधर जगह होती है in the beginning. And this is the toilet. Yes, ये कुछ ऐसा दिखता है. It's pretty good, decent, big enough. वो यहाँ पर first class का entry है, so you can go there. But बाकी यहाँ से आगे सारे cars you can travel. सो ये वाली अभी नॉर्मल कार है, क्वाइट कार में बात नहीं कर सकता.
वी आर एट न्यू हेवन कनेक्टिकट राइट नाउ एंड ट्रेन जो है वो 12 मिनट जल्दी चल रही है, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि इफ़ यू वांट वी कैन स्टेप आउट फॉर 12 मिनट्स. ट्रेन अभी यहाँ से निकली के अराउंड 1:44 एंड अराइवल इन बॉस्टन इज़ एट 3:50 PM. मैंने सोचा चलो थोड़ा उतर के न्यू हेवन स्टेशन कैसा है, उससे ज़्यादा ट्रेन बाहर से कैसे दिखती है दिन में वो आपको दिखा दूँ. सो अगर आपको इंजन देखना है इसका, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा बुलेट ट्रेन जैसा इंजन दिखता है, बट इट्स वेरी एरोडायनामिक एज कम्पेयर टू ऑल द अदर ट्रेन दैट यू कैन सी हियर. एंड ये है असला, जैसे अपना राजधानी होता है वैसे असला इज द नेम. एंड ये है हमारी कार. सो रेगुलर एमट्रैक के बाकी सारे ट्रेन में यू हैव 3 काइंड ऑफ क्लासेस और इवन मोर प्रॉब्ली. एक होता है अपना कोच क्लास, फिर होता है बिजनेस क्लास, देन यू हैव फर्स्ट क्लास एंड सम ट्रेन यू इवन हैव द ऑप्शन टू गेट रूम्स, प्रॉपर रूम जैसा रूम होता है जैसे अपने इंडिया में फर्स्ट क्लास ट्रेन में होता है वैसा. उसमें यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन, रूम्स, रूममेट्स एंड फैमिली रूम्स, जिसमें यू नो लाइक 4-5 लोग एक साथ रह सकते हैं. असला जो ट्रेन है उसमें कोच क्लास नहीं होता, सो यू ओनली हैव द ऑप्शन ऑफ बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास. तो इसलिए असला का जो टिकट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर ट्रेन. जैसे अपने इंडिया में राजधानी का टिकट यूजुअली बाकी सारे थ्रू ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा रहता है, बिकॉज इसकी स्टॉप्स कम लेती है, इट इज़ फास्टर, इट इज़ अ लिटिल मोर लग्जीरियस, कैफे वगैरह सब अच्छा खासा है इसमें एंड इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ मोर ऑन टाइम. Alright guys, that is it from our journey from New York to Boston in the Amtrak Acela. Mera bhi first time, mera actually first time ever in a Amtrak train tha, and that too the first time was in an Acela train. Matlab samajh sakte ho, Indian Railways mein first time, usme bhi pehli train ne Rajdhani pakad li, something like that. Jo Acela train hai wo Boston se Washington DC tak jati hai, and I think the major stops from Boston to New York आर बॉस्टन बैक बे स्टेशन, उसके बाद आई थिंक रोड आइलैंड, प्रोविडेंस रोड आइलैंड, देर इज न्यू हेवन, देर इज ऑल्सो वन रूट 128 और 182 समथिंग लाइक दैट, एंड देन द स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट एंड देन अपना न्यूयॉर्क सिटी. फिर उसके बाद मेट्रो पार्क में शायद एक स्टॉप लेती है, मेट्रो पार्क या वुडब्रिज के आसपास इन न्यू जर्सी, देन आई थिंक ट्रेंटन, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन डीसी. उसके बीच में जो स्टॉप्स है मुझे उनके बारे में पता नहीं, बिकॉज वी डेंट गो ऑन द सदर्न राउट. बट या ओवरऑल द जर्नी वॉज प्रिटी नाइस. अगर आप कॉस्ट पूछोगे तो इट वॉज अराउंड 144 फॉर ईच ऑफ अस इंक्लूडिंग टैक्सेस, तीनों का पकड़ के अराउंड $432 हुआ. येस, इट इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव कंसिडरिंग कि आप बस सिर्फ $20 में जा सकते हो. बट या वी जस्ट वॉन्ट टू गेट दिस एक्सपीरियंस ऑफ द एमट्रैक ट्रेन, एंड मैं आई बाबा हम लोग बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा इंडियन रेलवेज में घूम चुके हैं, तो इसलिए भी थॉट कि चलो लेट्स गेट द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेन एज वेल. एंड इट वॉज प्रिटी फन, मतलब एटलीस्ट वन टाइम ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा था. एंड यू नो लाइक ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास इन दैट ट्रेन वॉज ऑल्सो नाइस. All the accessibility features are also pretty good. You just have to call them and let them know if someone is traveling on a wheelchair ki aisa aisa hamara requirement hai, and uske hisab se they give you the proper seat. If you want, you can get off from a wheelchair and sit in a seat only assigned for people with special abilities. या फिर इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट सिट इन योर व्हील चेयर द होल टाइम. अब जो चाहिए वो कर सकते हो. हम लोग क्वाइट कार में थे इसलिए आई कुडंट स्पीक अ लॉट, बिकॉज क्वाइट कार में यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्वाइट.
क्वाइट अब आपस में बात नहीं कर सकते, तो बुक करते टाइम अगर आपको क्वाइट कार दिख रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट ओनली बाय चॉइस एंड ओनली इफ़ यू वांट टू स्टे क्वाइट थ्रू आउट द जर्नी. आई थिंक इट इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस पीपल या फिर यू नो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर वर्क, इफ़ योर कंपनी इज़ पेइंग फॉर यू, तो फिर तो पूरा वर्थ बनता है उतना फास्ट जाना एंड पेइंग दैट मच. बिकॉज आर टिकट वॉज 12 PM टिकट, सो 12 PM निकल के हम लोग पहुँचे 3:50 को. अदरवाइज अगर आप सुबह का लेते हो 6 बजे का तो ही वो बहुत सस्ता होता है. आई थिंक इट्स अराउंड 60 or $90. अदरवाइज सारे रेट्स जो है अगर आप इमीडिएट वीक में बुक करो तो इट गोज टू अराउंड 200-250 और फिर इवन हायर फॉर फर्स्ट क्लास. बट या ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी गुड, डू लेट मी नो. नॉट बीइंग लाइक अ प्रॉपर रेगुलर ट्रेन रिव्यूअर, ये मेरा फर्स्ट ट्रैक ऐसा था इट रिव्यूइंग अमेरिकाज फास्टेस्ट ट्रेन. I'll see you in the next one. Till then, stay safe, have fun, peace out.